नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। अभी जो हार्ड रॉक एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि जो 26 जून को एग्ज़ाम में आए हैं और अच्छे नंबर आए हमारे स्टूडेंट के। तो आप सभी यही प्रश्न पढ़ लीजिए जो डेली आते, तो वो प्रश्न और एक हमारी वेबसाइट है wifiteachshala.blogspot.com, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हमने डाल रखा है और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हैं। डेली वीडियो आपने देखनी है, जो वीडियो हम बनाते हैं आपके हार्ट से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी हम उसमें देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए ऑप्शन 4 दिए मिलेंगे, उसमें आपको आंसर करना ए, यानी कंट्रोल प्लस क्या हो। आपने ये घसड़ फसड़ चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है जो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन उल्टे फुलटे मिल सकते हैं। हो सकता है ये ऑप्शन ना है, कुछ और दे दे, लेकिन आंसर ये दे। मतलब डायरेक्ट पर्सन और आंसर दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पर्सन है, टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट, मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट, इसमें आंसर क्या दिया गया है, डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि शीट प्लस एंटर और अप एरो दोनों की तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला, व्हाट इज फार्मूला बार, फार्मूला बार क्या है, जो आपको एक्सेल के अंदर ऊपर को एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, ऊपर एक बार होती है उसको हम फार्मूला बार बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है उसका वो क्या है, यानी कि उसमें क्या आपको दिखाई दे। आंसर दिया है डी, यानी कि ए एंड बी, एक तो ए और बी। ए में क्या है, सो द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल में लिखा हो वहाँ पर शो करेगा। दूसरा, यूज टू एडिट द डाटा एंटर्ड इन द सेल, यानी कि जो सेल में डाटा डाला हो उसको वहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि ए एंड बी इसका आंसर आ गया। ये चीज़ें मैंने पहले बता रखी, बोथ वाले को प्राथमिकता दो। अगला, व्हाट प्रश्न नंबर 4, व्हाट डज द एरर, ये जो दे सकता भाई ये वैल्यू वाला सो, इसका मतलब क्या होता है। आंसर आएगा बी, बी आंसर दे रखा है तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। एरर केज्ड बाई इनकोरेक्ट आर्ग्यूमेंट, इनकोरेक्ट आर्ग्यूमेंट आपने की है। पांचवा है, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट यूअर डाटा, तो इसमें आंसर आएगा बी, यानी कि रिपोर्ट, ठीक है, आपने रिपोर्ट याद करना है। और अगला है, द फॉर्म विच इज रिजेंबल्ड एज ए डाटा सीट इज, आंसर क्या रहेगा इसका, बी, यानी कि टेबुलर फॉर्म। ये कुछ ऐसे हैं जो चीज़ें आपको याद करनी है, 2 प्रश्न 6 और 7 ऐसे पजल करने वाले हैं, तो इनको आपको याद करना है। और देखिए क्या, द फॉर्म विच इज रिजेंबल्ड इज ए डाटा सीट, यहाँ पे डाटा सीट का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे आपको डाटा सीट से याद करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म। अगला 7वां है, द फॉर्म विच इज रिजेंबल ए मैनुअल डाटा एंट्री, यहाँ पे मैनुअल डाटा एंट्री हो गया, वहाँ पे डाटा सीट था, यहाँ पे डाटा एंट्री हो गया, तो इनका फ़र्क करना है, इसमें आंसर आएगा कोलमिनार फॉरम, ठीक है, इनके सी। और प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 रहेगा हमारा, टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अनदर टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज, इसका आंसर आएगा लुकअप विजार्ड। ये कुछ तो ऐसे आंसर है जो आपको आंसर ही आप याद कर लोगे, जहाँ भी मिले उस पर क्लिक कर देना है। अगला है, द स्टोरेज साइज ऑफ ओ एल ई ऑब्जेक्ट इज, ओ एल ई जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या होता है, यहाँ पे जो स्टोरेज साइज क्या होता है उसका इकट्ठा करना, यानी कि अप टू 1 GB, अप टू 1 GB याद कर लो आँख बंद के, जहाँ भी मिले क्लिक कर देना भाई। अगला ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ है भाई ये, ठीक है, ये 0 नहीं, नंबर ऑफ टेबल एंड ऑब्जेक्ट इन ए डाटा सी डाटा बेस इज अलाउड बाई एक्सेस, कितनी अलाउड होती है भाई, ये होती है 32768, ये एक ही मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ये आ गया यहाँ पर राउंड का फंक्शन फार्मूला है, जो इन द फंक्शन ये इक्वल राउंड, ये जो राउंड का फंक्शन दिया गया है इससे क्या होगा, आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी क्या है, राउंड इज द फंक्शन नेम, द वैल्यू टू बी राउंडेड ये, और 0 इम्प्लाई क्या है, इम्प्लीज राउंडिंग द 0 डेसिमल प्लेस, यानी कि भाई आन ऑफ ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज सबसे ज़्यादा चांस रहता है, यहाँ पे मिलेगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला है, मैक्रो आर ऑटोमेटिकली सेट टू यूज, तो ये मैक्रो ऑटोमेटिकली वो शब्द याद करना, एब्सोल्यूट रेफरेंसेज, ये आएगा बी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी दैट अनेबल्स यूजर्स एक्सेस टू द इंटरनेट, आंसर आएगा ए, एन के आई एस पी। प्रश्न नंबर 14, ISDN स्टैंड फॉर, इसी फुल ये भी लिखा जाता है, ISDN फुल फॉर्म, यह इसका उल्टा भी लिखा जाता है भाई, इसका आंसर आएगा ए। देखिए, इंटरग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन,
आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो आंसर है ना इसका पर्सन बनाया जा सकता है, और ऑप्शन में ये ISDN कुछ चीज़ें ऐसी दी जा सकती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को हमेशा याद करना है, पजल ना होना मेरे भाई, आप सब बहुत अच्छे हो, मेहनत कर रहे हो। प्रश्न नंबर 15 है, इन द पास्ट माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ए पार्टिकुलर सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द US कंपनीज एंड जापानीज कंपनी। ये शब्द याद कर लो इसके अंदर, US कंपनीज, जापानीज कंपनी, जहाँ भी मिलेगा आपको आंसर क्या करना है, सेलिंग बिलो कॉस्ट, ये आंसर बी। ठीक है, ये हैव बीन चार्ज ड्यूरिंग माइक्रोचिप US मीट, ये जय डंपिंग शब्द को याद कर लेना, या US कंपनी एंड जापानीज याद कर लेना, यहाँ पे आएगा सेलिंग बिलो कॉस्ट है। ठीक है, आंसर भी आएगा। प्रश्न नंबर 16 भाई, ये प्रश्न थोड़े बड़े हैं, समझना होगा। एक कंट्रोल यूनिट हुज बिनरी कंट्रोल वेरिएबल आर स्टोरेज इन मेमोरी इज नाउन एज, आंसर आएगा बी, यानी के माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट MCU। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। 17वां क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इसका क्या आंसर होता है, आंसर आएगा भाई बी, यानी कि डाटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म। भाई देखो इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, समझ लेना भाई। ठीक है, एक भाई का प्रश्न उत्तर आया था कमेंट में, गैस को गैस कैसे लिखा है, भाई कोई बात नहीं, याद कर लो, पास हो जाओगे। 18वां है, ए हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ए, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हार्ड कॉपी क्या, देखिए टाइपराइटर टर्मिनल, ऑनलाइन प्रिंटर और प्लॉटर, ये क्या, ए हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ए, हार्ड कॉपी किन किन चीज़ों से तैयार की जा सकती है, इसका मतलब ये है भाई, एक टाइपराइटर से भी कर सकते हो, ऑनलाइन प्रिंटर से भी, और प्लॉटर क्या है, PLOTTER, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मोस्टली ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर मिलेंगे आपको। 19वां है, 19वां प्रश्न है, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज मीन्ड बाय द फेज स्टेट ऑफ द आर्ट, ये स्टेट ऑफ द आर्ट शब्द याद कर लो भाई, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर है अप टू डेट बेस्ट लेटेस्ट और ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी। प्रश्न नंबर 20, ए मैग्नेटिक टाइप वॉल्यूम दैट इज यूज्ड ऑन ए डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन विदाउट एनी चेंज, आंसर आएगा सी, यानी कि मास्टर टेप। ठीक है भाई, अगला है द फ्लॉपी डिस्क ऑफ डिस्केट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन इर्ली, आंसर आएगा ए 1970। 22वां है द स्पाइक ए, आंसर देखिए 22वां है और आंसर देखिए अलाउ, आंसर आएगा ए। ठीक है, ये वाला, ए वाला, अलाउ यू टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम सेवरल डॉक्यूमेंट एंड देन इंसर्ट ऑल द टेक्स्ट इनटू वन डॉक्यूमेंट वन टाइम, ये आएगा भाई। ठीक है, द स्पाइक शब्द याद कर लो, और मैंने कहा था भाई जहाँ छोटा प्रश्न हो वहाँ पे बड़ा उत्तर आता है, जहाँ बड़ा प्रश्न हो वहाँ पे छोटा उत्तर आता है, यहाँ पे बी एंड सी काम नहीं करेगा, कहीं इसमें आ जाओ आप। ठीक है, आपने आंसर ए करना है। प्रश्न नंबर 23, टू कनेक्ट टू ए डिफरेंट URL यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड, भाई ये नेटवर्किंग प्रश्न है दोनों, और इसमें आएगा आंसर 3, रीडायरेक्ट, ये 886 प्रश्न में नहीं है, ये अलग से है भाई। ठीक है, अगला है 24वां भाई, ये पेगिंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी यूज्ड विद, आंसर आएगा ये फॉरवर्ड ओनली। ठीक है, ऐसे याद कर लो प्रश्नों को भाई, जो प्रश्न आते हैं बताते हैं, और इस भाई के अच्छे नंबर आए थे, 26 के आसपास नंबर आए थे, लड़का था अपने, लड़की थी, तो भाई देखो आप पढ़ो, पास हो जाओगे, और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से DO के क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कोई माए का लाल आपको फेल होने से नहीं रोक सकता। YouTube पे प्ले लिस्ट है, उनको भी पढ़िए, डेली चीज़ें पढ़िए, तैयारी कीजिए, टाइपिंग में गलती मत करना। और अब किस किस का एग्ज़ाम किस दिन है मुझे एक बार कॉमेंट कर दो भाई, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो। और एक बात और सुन लो भाई, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लेके जाया करो साथ में, आप लेके नहीं जाते हो, बड़ी दिक्कत आती है बाद में। ठीक है, और कोई भाई आपको कमेंट में मिलेंगे, मैसेज करते मिलेंगे, आपकी वीडियो से एक नहीं आया, ये नहीं, भाई देखो भाई जो पढ़ेगा नहीं उसके कैसे आएंगे भाई, आपने रोटी खानी है तो निवाला तोड़ के मुँह में डालना होगा, ये नहीं कि अपने आप रोटी टूट के आपके मुँह में आएगी। और मैं ये भी कहता हूँ, जो अभ्यर्थी ये कहता है आपकी वीडियो से प्रश्न नहीं आए, भाई मैं कहता हूँ आप एक प्रश्न बता दो जो आपके एग्जाम में आया हो, मैं उसको बता दूंगा, यहाँ पर इस वीडियो में है और यहाँ पर हमारे इस नोट्स में है, यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा भाई,
और दाएं बाएं से जो पीडीएफ आ रही है चक्कर में ना पड़े, वही बिल्कुल जो हम जो करा रहे हैं वही आप पढ़े। प्रॉपर सभी पर्सन दे दिए हैं और प्रोग्रामर भाइयों के लिए पर्सन तैयार हो रहे हैं, उनके लिए भी जल्द वेबसाइट पे आ जाएगा। चाहे कोई भी टेस्ट हो, एक बार हमें कमेंट किया करें आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। हार्टरों के हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें पर्सन तैयार करने लग रहे हैं, वेबसाइट पर जल्द आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, कुछ आ गए कुछ और आ जाएंगे। वीडियो को शेयर करें।